पीछे एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है इन सभी को रोकने के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मंडी में अवैध मस्जिद को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर करके प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी है। बैरिकेडिंग इन प्रदर्शनकारियों के लिए लगाई गई थी ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सकें। उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके वो लोग आगे आए और साथ ही पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए किया है। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, यहाँ पर बैरिकेड तोड़ करके ये लोग आगे बढ़ गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से हमने देखा शिमला में हुआ, संजौली में हुआ, वैसी ही तस्वीरें यहाँ से भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक मस्जिद को लेकर विवाद है और विवाद ये है कि जो मस्जिद है वो सरकारी जो जमीन है लोक निर्माण विभाग की, उसके ऊपर बनी हुई है। कल हालांकि मस्जिद के ही लोगों ने उसका जो अवैध हिस्सा था, जिसको वो खुद मान रहे थे कि अवैध है, उसको गिराया भी, लेकिन उससे जो तमाम स्थानीय निवासी हैं या हिंदू संगठन है जो, वो संतुष्ट नहीं हुए और आज जिस तरह की कॉल दी गई थी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जो क्लैश है पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस उन्हें मस्जिद से पहले रोकना चाहती है, मस्जिद तक नहीं पहुंचने देना चाहती है, क्योंकि यहां पर भी जो संगठन है उन्होंने कॉल दी थी कि मस्जिद को वो गिराएंगे क्योंकि सरकारी जमीन पर ये गलत तरीके से जमीन बनी मस्जिद बनी हुई है। जी लेकिन हम देख पा रहे हैं मनोज की लगातार ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए।